game, I mean, so far, you think there's a chance for any to win on this wicket? There's still a good chance to win. There's a good chance to win the both of the side, because they are also in a good position, 100 for 1, and if they score somewhere 400 at the moment and next 2 days, they also they have a good chance to they will also in the game. For us, if we take some early wicket to our bowling, so then we have a good chance to win in this game. I think it's all dependent on the first session, how they manage it, how we attack on them. विकेट में अभी मतलब राउंड्स और उठते हैं इस तरह का सर बिल्कुल है. आज आप सुबह भी देखो तो आप इसको बैट करो इसको भी इसको राउंड्स का और स्पिन भी है. इस तरह के सेशन हुआ है उसमें बहुत सारे लकी रहे हैं हमें मेरे ख्याल से एक आदमी के बारे में और इस तरह से नकारों और सुपर खेले हैं तो अच्छा भी देखना बड़ा अच्छा उसमें कुछ तो इस तरह पार्टनरशिप भी रहती है रेस्टोरेंट्स की और मेरे ख्याल से और आपकी जो बैटिंग खुद 177 आपको कैसा लगा? जब अच्छा लगा कि जब टीम को जरूरत पड़ती है तो मेरी कोशिश है जब टीम को जरूरत हो ऐसे ही खेले जाए तो टीम को अपने काम है और याद होती है मैं अच्छी है कि अगर ऐसे मैं दोबारा क्रिकेट खेली और इंशाल्लाह कोशिश ये करनी है कि जितनी मुझे उसमें काफ़ी परफॉर्मेंस होती है. 177 के एक्सपोनेंट भी कर सकते लेकिन एक आधा बॉल होता है जो आप ऊपर जाता है लेकिन बाद में ये देखिए शुक्र है कि मैंने 177 प्रैक्टिस किया है 100 किया है इस अच्छा 100 पहले मैच में तो फास्ट से पहले नहीं मिले. अगर आप सीरीज के पहले मुझे अच्छी नहीं खेल लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको भी स्ट्रगल थोड़ा कम करते हैं. लेकिन अच्छा है कि अगर मैच में गई और कर सकते तो आगे जितनी भी टीम है जो मुझे मिलनी है उसमें अगर एक आधी अच्छी सेंशन हो गई होते तो क्रिकेट भी अच्छा लगेगा. अरे कभी एक्स्ट्रा के साथ एक आप चले एसेसरी के साथ खेला सरफराज के राज शुरू में खेला तो वट वॉज मैसेज फॉर देम आप अच्छा लिंक कर रहे हो तो देखिए मैसेज बड़ा सिंपल है कि देखिए ये टीम है और ये पार्टनरशिप्स जो पार्टनरशिप चाहे बैटिंग में हो वो पार्टनरशिप चाहे फील्डिंग में हो पार्टनरशिप चाहे बॉलिंग मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं जब भी कोई इन्हें खेलूँ या जब भी मैं फील्ड में हूँ मैं पार्टनरशिप नहीं हूँ क्योंकि ये नहीं हो सकता कि बॉल करें और आप फील्ड स्विच कर दें या कैच छोड़ दें तो पार्टनरशिप नहीं हो सकती. सेम यही है कि जब योगा खेल रहे होते हैं चाहे किसी जितने सीनियर हो जितने जूनियर हो उन्हें जो मेन चीज़ वही है और पार्टनरशिप रहती है तो दोनों बैट्समैन को फायदा होता है. जैसे मुझे भी बड़ा अगर आप देखें जब जिस वक्त असर शफीक आए एक टाइम पर तो मैं राउंड 80s में खेल रहा हूँ उस वक्त रन कुछ नहीं बन रहे थे और लग ऐसा रहा था कि ये पिछा के टूटेगी मुश्किल करेगी तो उसको हमारी टीम को रन चाहिए थे. जिस तरह से शिविर फॉर खेला है उसने क्विक 30 से 40 रन बनाए हैं तो मुझ पर प्रेशर कम हुआ जो पार्टनरशिप लगी तो उसका मुझे भी फायदा हुआ. उसके बाद जब सरफराज आज सुबह खेल रहा था तो उसकी वही पोजिशन थी कि जब आप पूरी उनकी बैटिंग करते हो आपको सब टायर्ड होता है आपको बॉल्स नहीं मिलने लगी. जिस तरह सरफराज आगे खेला और वहाँ पर 50 साल उनकी पार्टनरशिप तो मुझे हेल्प मिली उससे और मुझे अपनी इनिंग जो है वो कई ऐसा है. यूनुस आपने अपनी इनिंग्स में काफ़ी माइलस्टोन्स अचीव किए हैं. आप यूनुस इंजमाम और जावेद मिलर के नीचे रन में सेंचुरीज में भी आप काफ़ी ऊपर चले गए तो अपने माइलस्टोन्स के बारे में आप कैसा देखते हैं और आपके आगे फ्यूचर क्या टारगेट्स हैं? बिल्कुल बड़े अच्छा लगता है जब आप अपने लेजेंडरी प्लेयर के साथ खड़े होते हैं खासतौर पर वो लेजेंडरी प्लेयर को हमेशा हम देखते रहे जावेद मिलर को इंजमाम को सबको तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप उनकी 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 कैटेगरी में खड़े होते हैं बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ आपको चीज कोई भी चीज़ आपको शेयर कर सकता और मेरा यही है कि मैं जितनी भी क्रिकेट खेल सका आगे जाकर मेरे को ये नहीं कि मैंने कितनी क्रिकेट खेली है. मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कितनी क्रिकेट खेल सकता हूँ मेरी वो जो मैं बार बार खेलूँगा मेरी वो जो भूख है क्रिकेट खेलने परफॉर्मेंस करने की वो रही ऑनलाइन मुझे मेरी फिटनेस इसी तरह लग रहा है कि मैं अच्छा कोशिश कर रहा हूँ जितना भी मैं खेल सका मेरी ज़रूरत है जितना भी मैं खेल सका मैं खेल सकूँ.
फ्रांस काफी उधर पर नजर आ रहा है कि विकेट कीपर जो है वो एस्टैब्लिश हो रहा है, उसके रन किए बैक टू बैक रन किए, तो उसके बाद क्या हो गया? तो अच्छा होता है जब भी आपका जूनियर प्लेयर टीम में आके परफॉर्मेंस करता है, गेम के लिए परफॉर्मेंस, इस तरह अगर आपने पिछले सीरीज में भी देखा होगा कि वो जो उसकी एक थर्ड टेस्ट मैच में जो 40-50 रन की जो पार्टनर में जो एक इनिंग थी बड़ी हेल्प की हम लोगों को वहाँ सीरीज को लेवल पर करने में, और जिस तरह आज दोबारा उसने बड़े जबरदस्त 50 रन किए और जिस तरह फास्ट बॉलर शूट खेला, जिस तरह स्पिनर शूट खेला, जब आप इस जूनियर जो है परफॉर्मेंस करते हैं टीम के लिए तो आप जो टीम में ध्यान रखें हमेशा हमेशा जब टीम को हमेशा यंगस्टर की जरूरत है, यंग ब्लड की जरूरत पड़ती है, वो यंग ब्लड जो टीम के लिए और अपने लिए कुछ करना चाहता है। मेरे ख्याल से सरफराज बड़ा मच इम्प्रूव प्लेयर है और वो रोज़ ब रोज इम्प्रूव कर रहा है, जो कि एक अच्छा सैड पास है। यूनुस भाई आपकी टीम बहुत अच्छा खेली, आपने बहुत अच्छा खेला, श्रीलंका की टीम में भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, जयवर्धन है और श्रीलंका स्पेशली जयवर्धन जिनका यहाँ पे अच्छा रिकॉर्ड रहा है, तो पाकिस्तान टीम की क्या स्ट्रेटजी रही कल और इस तरह से आप देखें अगर आप देखें श्रीलंका की टीम को तो तीन से चार बड़े स्टेबलिश कास्टर हैं इस कंडीशन में, आप सब कार को देखें उसको पहला जयवर्धन है, बाजू में उसका मैथ्यूज को ना भूलें क्योंकि मैथ्यूज अगर आप दो से तीन साल लेंगे तो उसने हमेशा आके परफॉर्मेंस की नीचे साल, और जिस तरह वो टीम को लेके चला है एक यंग प्लेयर एक यंग कैप्टन होगा, और जो जिस तरह महिला कैप्टन रखते हैं अंडर में और जिस तरह संविधान के अंडर में रह के वो आज आज जिस तरह उनके परफॉर्मेंस की होते हैं उनके नीचे रह गए, तो मेरे से बड़ा बड़े ब्राइट चांस है कि अगर वो यहाँ पर लोग जिस तरह करेगा तो अगर वो अच्छा खेल सके आगे जाके कल जो इससे अच्छा खेले तो वो मैच बचा भी सकते हैं, और हमारी सब प्लानिंग से बड़ी सिंपल है सुबह जाएँ जो भी हम लकी रहे सेशन में हमें मैं खुद ही फील करता हूँ कि दो से तीन ऑल आउट करने चाहिए, जिस तरह बॉल हो रहा था जिस तरह बॉल थोड़ा स्लिप हो रहा था, जिस तरह बॉल शार्प ब्रेक हो रहा था वहाँ पर आउट करने चाहिए, और एक बड़ी सिंपल सी प्लानिंग है सुबह कि आए और जल्द से जल्द जो है वो विकेट लें और पार्टनरशिप में ला लें, क्योंकि जब पार्टनरशिप करती है तो सभी भी चीज़ें जो है ना आपके बहाल में पहुँच चुके हैं। Thank you. Thank you.